हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुनीर ने कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर पूरा देश अमृत महोत्सव उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के 1882 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और 732 उच्च विद्यालयों में उन देशभक्तों को नमन करेगा जिन्होंने राष्ट्र को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ लोकल हीरो जो आज जीवित है उन्हें सम्मानित करेंगे और जो देशभक्त स्वर्ग सिधार गए हैं उनके चित्रों को स्कूलों में स्थापित करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश में 6500 पीटीए 3500 पैट अध्यापकों को नियमित किया गया है और 45000 सीएनवी अध्यापकों को अंतर जिला ट्रांसफर नीति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि टेट को आजीवन करवाया गया, अनुबंध कार्यकाल को 3 से 2 वर्ष किया गया और 5 वोकेशनल टीचर्स का वेतनमान 19000 किया गया है। देश शिक्षक महासंघ जब से हिमाचल में अलग अलग विषयों को लेकर सरकार से वार्तालाप करता रहा है, हमने जिन विषयों को सरकार ने हमारे आग्रह के ऊपर माना है उसमें पीटी अध्यापक बंधु को नियमित नीति बनाना, आप पैट अध्यापक बंधु के लिए नीति बनाना, एक जो हमारे सीएनबी और जेबीटी अध्यापक बंधु उनके लिए एक जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको बनाना एक बहुत बड़ा कार्य हिमाचल सरकार ने किया है। 2003 और 2006 में पैट और पीटीए की नियुक्तियां पूर्व में सरकार ने की थी जिनकी पॉलिसी ना होने की वजह से 15 वर्षों तक उनका शोषण, आर्थिक और मानसिक शोषण होता रहा। मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि ये वो लोग थे जो समाज का सबसे पीड़ित वर्ग हुआ करता था। उन दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6500 पीटीए अध्यापक बंधुओं को और 3500 पैट अध्यापक बंधुओं के लिए नीति बना के और उनको सरकार में शिक्षा विभाग में मर्ज करके बहुत बड़ा कार्य किया है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश के आभारी है। और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ अलग अलग विषय को लेकर सरकार के साथ वार्तालाप कर रहा है जिसमें अभी हमारे कुछ विषय क्योंकि आज उच्च स्तरीय बैठक भी है हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के आग्रह के ऊपर। पिछले बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बैठक का आयोजन किया था। आज हम जिस विषय को लेकर सरकार के साथ दोबारा से वार्तालाप करने उसमें एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी नीति है क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है, एसएमसी शोषित वर्ग भी है, उनके लिए नीति बनाने का कार्य हिमाचल सरकार जल्द करें। कंप्यूटर बंधुओं के लिए स्थायी नीति हम कर रहे हैं। हमारी मांग में भाषा और संस्कृत अध्यापकों के लिए टीजीटी का दर्जा देना, जो डीपी हमारे अभी 300 स्कूलों में डीपी के पोस्ट को क्रिएट करना और 200 भाषा अध्यापकों के पोस्ट को क्रिएट करना, ये सारे विषय को लेकर डीपी को लेक्चर का दर्जा दिलाना, इन विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम वार्तालाप करके और आने वाले समय मुझे बहुत जल्द विषय है एक पंजाब का वेतनमान को यथावत हिमाचल में लागू किया जाए उसको लेके हिमाचल सरकार के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत बड़े उदार दिल के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन विषय को गंभीरता से लेते हैं, उसका जल्द निवारण करेंगे। ऐसे ही हम सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं और सरकार से वार्तालाप इन विषयों को लेकर कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।